विद्युत विभाग की लापरवाही आए दिन देखने व सुनने को मिलती रहती है। नागरिकों की जानमाल के नुकसान की विद्युत विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं, तभी तो आए दिन विद्युत विभाग की लापरवाही के दृश्य देखने वाला सुनने को मिलते रहते हैं। ये हाल तब है जबकि विद्युत विभाग के इन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को नागरिकों द्वारा सूचित कर दिया जाता है। ऐसे ही एक घटना थाना कटघर अंतर्गत रामपुर रोड स्थित गांव बसंतपुर राम राय में देखने को मिली, जहां पर 11,000 हाई टेंशन के तार हैं जो घरों के पास से होकर जर्जर हालत में झूलते हुए गुजर रहे हैं। वहीं ये जर्जर 11,000 की हाई टेंशन के तार रात में गिर गए, जिसकी चपेट में आकर गरीब किसान के दोनों मवेशी मौके पर ही खत्म हो गए। वहीं मवेशियों के मरने से ग्रामीण के परिवार के साथ ही साथ गांव में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि यूपी सरकार के द्वारा विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि घनी बस्तियों से होकर गुजरने वाले हाई टेंशन तारों को हटाकर उनकी जगह दूसरे तार डाले जाएं। बावजूद इसके अभी तक क्षेत्र में तार नहीं डाले गए हैं। यही कारण है कि आए दिन जर्जर हालत में हाई टेंशन तारों के टूटने से घटनाएं घटित होती रहती हैं। क्या हुआ है यहाँ? ये बिजली से तार टूटे हैं, पशु मर गए और इससे पहले भी घटनाएं 20 हो चुकी हैं, कई आदमी मर चुके हैं। तो कौन सा तार है ये? 11,000 की लाइन है ये। ये उतारने का सरकार के आदेश है कि उतर जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये अधिकारी लोग तार उतार नहीं रहे। गलती इनकी बिजली विभाग वालों की है और यहाँ पर कई घटनाएं घट चुकी हैं, कई आदमी मर चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी उतारा जाए, और नहीं अगर नहीं उतारा जा रहा तो हम इनको अपने हाथ से उतार कर कितरों फेंक देंगे। कल को हमसे कोई भी जोर जुलम कोई अधिकारी ना करे। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।